सितार के कितने कुल कितने घराने हैं और आज के समय में कितने प्रचलित सारे इंस्ट्रूमेंट अपने जितने भी हैं इनका ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे बढ़े हैं। और क्योंकि अभी हम मतलब मेरे देखते देखते भी कितना विकास हुआ है, सन 1950 में 40 में जो सितार का स्वरूप था उससे अब में कितना फर्क हो गया। गायन में जो भी गाया जाता था उसका असर वाद्य पर पड़ता था, तो उस समय जितने भी बीच में वाद्य आए, रबाब आया या सुरसिंगार आया, जितने भी वाद्य आए सब पर यही गायन की शैली में सही वादन होता था। ध्रुपद धमार से होता था चौताल, और उस समय धीरे धीरे जैसे रबाब शुरू हुआ तो उस पर मोटे मोटे इसके घास के बट करके तार जैसे लगाए जाते थे, और जानवरों के खाल के तार लगाते थे, तो उससे क्या होता था कि उसका साउंड जितना इफेक्टिव होना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता था, वो साउंड दब जाता था खास करके, तो उसकी टोनल क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ जाता था। तो लोगों ने थोड़े से तार वार बदल करके उसका दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको सुरसिंगार कहा। अच्छा, तो रबाब इसके बाद फिर सुरसिंगार आया। तो 18वीं शताब्दी तक भी जो सितार पर वादन शैली थी वो गायन की ही थी, और ध्रुपद धमार क्योंकि ध्रुपद धमार पुरानी चीज़ थी, वो परंपरागत रूप से चली आ रही थी, तो उसी का ही वादन हुआ। फिर 18वीं के बिल्कुल उत्तरार्ध जिसको कहते हैं लास्ट में, ये इसी सेनिया परंपरा के ही एक उस्ताद थे मसीद खान, तो उन्होंने एक वादन शैली का एक तरह से उसको हम आविष्कार अगर कहें तो कुछ हद तक मान सकते हैं कि वो उन्होंने एक वादन शैली का वो निकाला स्वरूप एक, जो कि वाद्यों पर बहुत एक तरह से खरा उतरा सभी, और ख़ास करके जैसे तार सरोद इन दो इंस्ट्रूमेंट के लिए तो बहुत, क्योंकि दोनों ये इंस्ट्रूमेंट आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, सितार सरोद दोनों, तो ख़ास करके ये मसीद खानी गद जो निकली ये ध्रुपद पर आधारित थी। ये मसीद खान साहब दिल्ली साइड के थे तो इसलिए उसको पछाही बाज कहा गया, पछाही बाज, हाँ दिल्ली का बाज पछाही बाज कह के उसको मसीद खान ने निकाला उसको। उसके सेट बोल होते थे दिरदा दिरदारा दा दारा दिरदा दिरदारा दा दारा, तो उसमें क्या था कि दाहिने हाथ का काम ही मेन था, लेफ्ट हैंड के काम की विशेष उपयोगिता नहीं, लोग जानते भी नहीं थे बजाते भी नहीं थे। और फिर सितार का स्वरूप ऐसा था उस समय तक तरफ के तारों का प्रयोग नहीं होता था, मोटे मोटे तार होते थे, और सितार का ये जैसे इतना डेकोरेशन है तुम्बा इस तरह का नहीं, थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट टाइप का तुम्बा होता था, और ये डेकोरेशन नहीं कुछ नहीं, मोटे मोटे पर्दे होते थे, डार भी बहुत पतली होती थी, थोड़ी चौड़ी होती थी, हाँ मोटी मोटी डार होती थी और पर्दे पतले होते थे, क्योंकि खींच का काम होता नहीं था, केवल बस छंद का काम, दाहिने हाथ के काम से वो काम चलता था। तो ये पछाई बाज जो बजाते थे मसीद खानी उसमें भी उनके तोड़े कहते थे, वो तानी कहते थे तोड़े, तोड़ों का प्रयोग होता था, और वो उसी के जो बंदिश बनाई थी, तो मतलब एक तरह से गायन से हट के वादन की एक शैली का विकास हुआ। जब गत की पद्धति वादन शैली आई प्रचलित हुई तो उससे फिर वादन की एक नई शैली आपस में निकली, हाँ उससे फिर लोगों ने मतलब बजाने की शैली का एक तथा गायन से हट के विकास हुआ, वही रहता था लेकिन उसका स्वरूप बदल गया ना, उसका स्वरूप बदल गया, तो इसलिए उसके बाद से फिर धीरे धीरे वो सेनिया घराने के उस्ताद थे। अच्छा, सेनिया घराना अगर सोचा जाए तो सेनिया घराना जो तानसेन थे, तो तानसेन क्योंकि तानसेन कहते थे ना उसको, तो उस सेन से सेनिया घराना निकला, वो सेनिया घराना आगे चल के चल बना उसको। फिर जयपुर में जितने भी ये फिरोज खां और ये कई कई उस्ताद हुए जिन लोगों ने ये वादन की कई पद्धतियाँ निकाली, स्वरूप निकाले, लेकिन ऐसा है कि मसीद खानी और रजा खानी कुछ आगे चल के फिर 19वीं शताब्दी में एक दूसरी शैली आई, वो लखनऊ के थे उस्ताद, वो भी हालांकि मसीद खान से कहते थे कि वो रिलेटेड थे लेकिन वो लखनऊ के थे, तो उसको कहा गया पूर्वी वाज, हाँ क्योंकि लखनऊ पूरब के साइड में था इसलिए उसको पूर्वी वाज कहा गया। तो उसमें क्या था कि वो
ये लखनऊ में एक प्रकार की गायन शैली होती थी, इसको कहते थे बंदिश की ठुमरियाँ। तो वो ठुमरी जैसी वरना सो स्लो जैसे दीपचंदी में ठुमरी गाते हैं ना, उस तरह से नहीं होती थी वो, उनकी अद्धा में एक तरह से अधिकतर वो तीन ताल के अद्धा ताल में होती थी और उसको बंदिश की ठुमरियाँ कहते थे। तो वो रजा खानी जो रजा खान नाम था उनका, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर उसको शुरू किया तो उसको रजा खानी बादशाह। तो वो थी, वो बंदिश की ठुमरियों पर आधारित थी। उसमें मिजराब के बोलों की थोड़ी सी विशेषता होती थी कि थोड़े क्लिष्ट बोल होते थे उसके, और उनका एक प्रारंभ करने की एक सेट जगह होती थी, सात मात्रा खाली या सम, तीन जगह से अधिकतर वो खाली होती थी। वो उसमें भी दाहिने हाथ के बोलों की मतलब बोलों की प्रधानता होती थी, उसमें भी लेफ्ट हैंड का विशेष काम नहीं होता था समझते दोनों में। तो वो सितार सरोद, वो सरोद के लिए भी बहुत अच्छा उतरा, जो फास्ट शैली निकली इसकी वो सरोद के लिए बहुत अच्छा निकला। तो इस तरह से ये दो पद्धतियाँ जब प्रचार में आ गई तो सेनिया घराना, जयपुर वाला घराना था वो सेनिया घराना। तो और कुछ शुरू में तो कुछ ऐसे उस्ताद होते थे कि जो मशीद खानी शैली के वादक थे वो मशीद खानी शैली ही बजाते थे, उसमें वो फास्ट है वो नहीं बजाते थे, वो मशीद खानी बाद में ही थोड़ी सी लय बढ़ा करके, और उनकी लय भी आज की लय जो चलती है उससे भी बढ़ी हुई होती थी, उससे बढ़ी हुई लय में बजाते थे वो, और उसी लय में तोड़े बजाते थे। तो रजा खानी में भी ऐसे हुआ, तान बजाते थे पर वो सीधी सीधी तान, थोड़ी सपाट की तान हो, थोड़ी मिक्स तान हो गई, बोलों के आधार पर ये ताने बजती थी। तो दोनों दो तरह की वादन शैलियाँ थी। तो मशीद खानी वाले जो थे वो मशीद खानी ही बजाते थे। अच्छा, रजा खानी जब शुरू हुआ तो रजा खानी केवल रजा खानी बजाते थे, दोनों दो स्कूल प्लेइंग स्टाइल जो थी दोनों की अलग अलग थी, कोई आदान प्रदान नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं था, दोनों दो तरह का बजाते थे। तो इस अब दोनों घरानों में हुए उस्ताद, लेकिन ऐसा है कि उनकी शैली इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, वो एक दूसरे में ही उनमें ही मशीद खानी रजा खानी इतनी पॉपुलर हुई, इतनी थोड़ी सी वाद्यों के बड़ी उपयुक्त बहुत फिट बैठी, तो इसलिए उसी में ही समाहित हो गई उनकी शैलियाँ। फिरोज खानी और अदा वो अमीर खानी सब कई निकली चली तो शुरू में, लेकिन उनका फिर स्वरूप बहुत अच्छा विकसित नहीं हुआ, इसी में मिल गए। तो फिर धीरे धीरे जब अब देखो धीरे धीरे फिर कैसा मिक्सिंग शुरू हुआ कि अब गायन में जैसे बड़ा ख्याल छोटा ख्याल गाते हैं उसी तरह से, उसी प्रकार से धीरे धीरे कुछ लोगों ने दोनों को मिलाना शुरू किया, मशीद खानी रजा खानी को। तो जैसे मशीद खानी में पहले विलंबित बजा करके स्लो कॉम्पोजिशन, फिर ये कि धीरे धीरे ये जो हमारे दो उस्ताद निकले ना रविशंकर जी और विराट खान, इन लोगों का ऐसे देखा जाए तो रविशंकर जी का लोग कैसे कहते, हमारे गुरु जी इनके फादर जो थे रागिनी के, वो बहुत मानते थे रविशंकर जी को कि उनकी बहुत बड़ी देन है, उन्होंने सितार के समझ लो कि हर पार्ट का यूज़ किया है, हर पार्ट का, क्योंकि उन्होंने ही जो ये खरज का काम शुरू किया, मोटे तारों को लगाया, और फिर धीरे धीरे पहले जो शुरू में था ऐसा तो एक सुरबहार है, सुरबहार आया तो कुछ लोग ऐसे थे जो सुरबहार बजाते थे, सुरबहार पर आलाप बजाते थे और गतकारी जो था वो सितार पर करते थे, दोनों को दो दो तरह का काम होता था। तो ये ऐसा अमीर खां का एक घराना, तो सेनिया घराना वो जयपुर का निकल गया, दूसरा घराना इटावा का, इटावा इंदाद खानी घराना।